Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के एक और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ, अक्षय कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके करियर की हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं। अगर ये 4 दिन का वीकेंड होता तो और जबरदस्त पिक्चर कमाती। पर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं Day 3 यानी कि ऑल इम्पोर्टेंट संडे के ऑफिशियल कलेक्शंस के बारे में। पर फ्रेंड्स, पहली बार होगा जब कोई फिल्म का जो ट्रेड फिगर है वो प्रोड्यूसर फिगर से ज्यादा है। यहाँ पर रिलायंस इतनी ईमानदारी से कलेक्शंस रिपोर्ट कर रहा है कि गाइज उन पर इतना वो आ रहा है कि इतनी इज्जत बढ़ रही है कि एक प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर ऐसा भी है रिलायंस धर्मा एंड रोहित शेट्टी तो यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा है। जस्ट इमेजिन कौन सा ऐसा प्रोड्यूसर होगा जो ट्रेड से कम फिगर देगा। जो ट्रेड बिजनेस समझते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड गाइस, अनफॉर्चुनेटली जहाँ पूरा का पूरा ट्रेड जितने बॉक्स ऑफिस ट्रैकर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सूर्यवंशी संडे के दिन एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम द लीस्ट नंबर इज 29 करोड़ कमाएगी, ऐसा होता वो नहीं दिखाया, विच इज क्वाइट सैड। एंड संडे का जो फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ 26.94 करोड़ है। यस फ्रेंड्स, इसी के साथ 26.29 करोड़ Day 1, 23.85 करोड़ Day 2 एंड संडे जो आया है वो 26.94 करोड़ आया है। वर फ्रेंड्स, इसी के साथ सूर्यवंशी अपना पहला वीकेंड जो है उसको समाप्त करता है एंड पहले वीकेंड की समाप्ति पर इसका जो टोटल है वो है 77.08 करोड़ यानी कि 77.08 करोड़। वर फ्रेंड्स, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, दिवाली के दिन कलेक्शन था 26.29 करोड़ एंड कल जो कलेक्शन था वो है 26.94 करोड़। कल आप सभी लोगों को मालूम है जो ट्रेंड था, मॉर्निंग ले लो, इवनिंग ले लो, आफ्टरनून ले लो, वो दिवाली से बहुत अच्छा था। इतना ही नहीं, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका भी गाइस दूसरा दिन पहले दिन से इतना बड़ा था, समझ में नहीं आ रहा कि 26.94 करोड़ जो है वो कलेक्शन कैसा आया गाइस। चलिए गाइस, ऑफिशियल फिगर्स है तो हमको ये मानकर चलना पड़ेगा 77.08 करोड़। इसी के साथ खिलाड़ी कुमार मुबारक हो, यू हैव ब्रोकन ऑल योर रिकॉर्ड्स। अब ऑडियंसिस को समझ में आएगा कि ये कलेक्शंस क्यों महत्वपूर्ण और क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर अक्षय कुमार के करियर वाइज देखो तो ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग पॉसिबल विद दिस, हैजंट ही? क्योंकि गाइस इससे पहले अक्षय कुमार की गुड न्यूज ब्लॉकबस्टर फिल्म 205 करोड़ का लाइफ टाइम है इस फिल्म का, उसका वीकेंड 65.99 करोड़ था। 65.99 करोड़, ना कोई कोरोना था, ना कोई पैंडेमिक था, ना लोगों के पास पैसों की कमी थी, आराम से जिंदगी चल रही थी लोगों की, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी 65.99 करोड़ से पैसे कमाए इसने। 2.0 की अगर मैं बात करूं गाइस, यहां पर 2.0 का तो वीकेंड 73.75 करोड़ का था, मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ। यस, एक्सटेंडेड वीकेंड जो था 4 दिन का 2.0 का वो 97 करोड़ का था। हाँ, लेकिन फिर भी 2.0 के वीकेंड को भी बीट कर दिया, वो भी एक हाई बजट की फिल्म थी, रजनीकांत थे, शंकर था, बड़ी फिल्म थी। केसरी की बात करूँ गाइस तो केसरी बहुत लोग भूल रहे हैं गाइस केसरी के टाइम पर कि केसरी का जो वीकेंड है वो 4 दिन का था। 4 दिन में वो फिल्म ने 78.07 करोड़ कमाए थे, लेकिन जो 3 दिन थे स्टार्टिंग के वहां फिल्म ने सिर्फ 56.56 करोड़ कमाए थे। तो केसरी तक को यहां पर सूर्यवंशी ने बीट कर लिया। इतना ही नहीं, सिंह इज ब्लिंग 54.44 करोड़, हाउसफुल 3 53.71, हाउसफुल 4 53.22, इतना ही नहीं मिशन मंगल, यस फ्रेंड्स, मिशन मंगल का जो 3 दिनों का था वीकेंड का टोटल वो था 70.02 करोड़ रुपीस। कैन यू बिलीव इट, मिशन मंगल एक ऐसी फिल्म है जिसने अपने लाइफ टाइम में 202 करोड़ रुपए कमाए हैं। अक्षय कुमार की करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग वीकेंड बन जाती है सूर्यवंशी विथ 77.08 करोड़ रुपीस। 2019 अक्षय कुमार के लिए मैजिकल ईयर रहा था, गुड न्यूज 205 करोड़, हाँ, उसके बाद तुम्हारा हाउसफुल 4 ऑलमोस्ट 211 करोड़, 205 करोड़ के बाद फिगर्स आना बंद हो गए थे, 211 करोड़ उस फिल्म ने कमाए थे, मिशन मंगल 202.98 करोड़, केसरी 154.541 करोड़। अक्षय कुमार इन द कैलेंडर ईयर ऑफ 2019 गेव अस 773 करोड़ रुपीस। ये महामारी का किसी एक्टर को अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वह अक्षय कुमार, वो अपने पीक पर चल रहा था, उसके पीक पर यहाँ पर पैंडेमिक आना कितना बड़ा नुकसान होता है पता है?
सूर्यवंशी अगर 2020 मार्च में आई होती तो आज यही जो 77 करोड़ का हम वीकेंड डिस्कस कर रहे हैं ना, वही वीकेंड लगभग 120-130 करोड़ का वीकेंड होता। एंड सूर्यवंशी की लाइफ टाइम होती कहीं ना कहीं 350 करोड़ रुपए होती। उसके बाद पृथ्वीराज थी उनके पास, लक्ष्मी, भले यहाँ पर खराब रिव्यूज आए फिल्म की, बुराई की, उसने सैटेलाइट रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अक्षय कुमार करियर इज नॉट गोइंग डाउन एनी टाइम सून गाइस, इट विल जस्ट गो वन प्लेस अप 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 एंड अप। दिस मैन इज वर्किंग हार्ड एंड हार्ड वर्क जो भी करता है उसको सक्सेस मिलती है कैसे भी करके। अनफॉर्चुनेटली महामारी ने अक्षय कुमार की सक्सेस जो थी उसको रोक दिया था, लेकिन अब इज बैक ऑन ट्रैक। 77.08 करोड़ के फिगर को अगर कोई भी ट्रोल करता है तो वो नादान कहा जाएगा, वो बेवकूफ कहा जाएगा, क्योंकि गाइस ये महामारी का वक्त था एंड इसके बाद इतना फिगर तो मैं लोगों की लाइफ टाइम प्रेडिक्ट करता था, लेकिन यहाँ पर 77.08 करोड़ कितना महत्वपूर्ण फिगर है। ये आने वाले समय में बहुत फिल्में आने वाली है एंड मैं लिखकर दे सकता हूँ बहुत कम फिल्में हैं जो ये इस वीकेंड के फिगर को टक्कर देने की कोशिश करेगी। ओके गाइज, साहब आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, साथ ही में समझ आया होगा कि क्यों 77.08 करोड़ एक आउटस्टैंडिंग नंबर है इस महामारी में। कॉन्ग्रेचुलेशन खिलाड़ी कुमार, रोहित शेट्टी, अजय देवगन एंड रणवीर सिंह, कटरीना कैफ एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन सूर्यवंशी फॉर रिलीजिंग दिस फिल्म इन द सिनेमा हॉल्स। रात को मिलिए, डे 4 डिस्कस करेंगे, लेट्स सी कितना कलेक्शन आता है। छठ पूजा है, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी में इंकरेजमेंट दिखा है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है हम कुछ भी ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट कर दे, कुछ भी कलेक्शन रिपोर्ट कर दे, कलेक्शन ऐसे कम क्यों आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। शायद हमारी एक्सपेक्टेशन ही कुछ ज्यादा हो चुकी है। स्टे कूल मैन।